आयुर्वेद के इस खास YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस खास YouTube चैनल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान स्त्री के लिए कौन से ऐसे नुस्खे हैं जो अपनाने जरूरी हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जिन स्त्रियों को गर्भपात का डर रहता है उनके लिए ये नुस्खा बहुत उपयोगी है। कौन सा है नुस्खा, आइए जानते हैं। मुलेठी, पंचतृण और कमल की जड़ का हर महीने एक हफ्ते तक दूध में उबालकर और घी में डालकर पीना चाहिए। यानी कि जैसे ही अगला महीना शुरू होता है तो उसके पहले हफ्ते में लगातार आपको इसका सेवन करना चाहिए। इस बारे में अपने वैद्य या डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। प्रेगनेंसी में बुखार होने पर मुलेठी का लाल चंदन, गौरीसत, कमल जड़ इन सब का काढ़ा बनाकर खिलाने में प्रेग्नेंट स्त्री का बुखार दूर हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान स्त्री के 20 नाखूनों पर सफेद संखियों का लेप करने से शीत ज्वर दूर होता है, लेकिन इसका स्पर्श खाद्य पदार्थों में ना हो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अतिसार दस्त होने पर प्रेग्नेंट लेडी को बकरी का ताजा दूध पिलाना चाहिए और पीते समय हर घूंट के साथ एक बूंद नींबू का रस निचोड़ते जाएं तो दस्त बंद हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान पेशाब का रुक रुक कर आना यानी कि मूत्र मार्ग में किसी भी प्रकार का अवरोध होता है तो पंचतृण की जड़ को दूध में उबालकर पिलाने से पेशाब खुलकर आने लगता है। प्रेग्नेंट स्त्री को गाय के दूध में मुनक्का और शोथ डालकर पकाया हुआ दूध ठंडा करके पिलाने से सर्वांग शोथ दूर हो जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान खुद का अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएंगी। प्रेगनेंसी केयर के बारे में किताबें पढ़ना भी फायदेमंद होता है। गर्भावस्था के दौरान अगर आपके चेहरे पर टैन या मुहासे हो जाते हैं तो उस वक्त आप किसी भी क्रीम का इस्तेमाल ना करें और डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर करें। कई बार आपकी त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है, इसके लिए अच्छे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। इससे आपकी त्वचा खिली रहेगी और आप फ्रेश महसूस करेंगे। मक्के के आटे में शहद को मिलाएं, फिर इस मिश्रण को स्क्रब की तरह लगाएं। गर्भावस्था में बालों के झड़ने की समस्या बहुत होती है। अगर ये समस्या शुरू हो जाए तो आप अपने बालों को कटवा दीजिए ताकि ये समस्या कम हो जाए। जी हाँ, आपको ये अजीब लगेगा कि आप अपने बाल कटाएं, लेकिन थोड़े से बाल अगर आप कटवा देते हैं तो आपके बालों के झड़ने की जो श्रृंखला है वो कम हो जाएगी। तो जाना आपने कि किस प्रकार से आप प्रेगनेंसी के दौरान अपना ध्यान रख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जरूरी जानकारी आपको यूं ही मिलती रहे।